बनावांगा मैं यार, ओ तैनू अपना बनावांगा मैं यार। कदी नहीं तोड़ना इश्क दी डोरना, हर वेल तैनू बोलना डोलना डोलना संग तेरे, डोलना 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 संग तेरे you want. Will you marry? Tain vekh ke main dil hari, sadke jaawa sawari, mere soneya mere jaaniya, tu hi dass de main ki kara, dolna dolna sang tere, dolna 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 sang tere, dolna. Shadow bibi, jaldi jaldi haath chala. खाला के नाश्ते का टाइम हो रहा है, उनकी शुगर लो गई ना, सारा दिन मसला रहेगा। ओ सादिया बाजी, तुसी टेंशन ना लो, जहारा बेगम अपनी शुगर हाई ते कर सकती है, पर लो नहीं कर सकती। हाँ शादो बीबी, जबान ना चला, हाथ चला हाथ, जल्दी जल्दी, अम्मा और मुजाहिद भी आते होंगे। और मुना, ये लड़की मजाल है जो खुद सो के उठ जाए, इसको भी अभी उठाना है। एक तो अम्मा और खाला के लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रखा हुआ है। मोना रोमी, मोना रोमी, मोना मोना, तुम सोते हुए में भी गिरती हो आप? हाँ तो और कौन होगा सुबह सुबह? ओह गॉड, ये तो सिर्फ एक ख्वाब था, और मुझे लगा कि ये रोमी अपना हाल दिल कहने वाला है। मोना उठो बे, कंद मचाया है सारा तुमने कमरे में, तुम्हारे कपड़े मैंने निकाल दिए, पहले ही देर हो चुकी है तुम्हें, उठो जल्दी से फ्रेश हो और नीचे आओ। उठ रही हूँ मामा, उठ रही हूँ। सब नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और चीजें समेट के रखा करो अपनी। मोना मोना, हाँ उठ गई, मुझे लगता है चोट वाकई तुम्हारे सर पे लगी है। नहीं नहीं उठ गई, उठो। करीम बख्श, करीम बख्श, नाश्ता लगाओ। जल्दी भाई। ले खाला, मैं आज फिर आपसे जीत गया। तुम्हारी जीत तुम्हें मुबारक हो मुजाहिद, मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल से मैंने अपने रेगुलर 4 राउंड ही करने हैं, तुम्हारे कहने पे हर किस 5वां राउंड नहीं करना। आखिर बूढ़ी हो ही गई हैं आप खाला। ठहर जा, तो ठहर जा। क्या कहा, मैं बूढ़ी हो गई? बूढ़ी तो तुम्हारी माँ है और तुम्हारी बीवी है, फिर किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, किसी को हाई शुगर, मोस्ट अनफिट पीपल। नहीं नहीं खाला सॉरी, मैं अपने बाकी के राउंड लगा के आता हूँ। हाँ, जाओ लगाओ अपने राउंड। रोज इन आंधियों से मैं तंग पड़ गई हूँ, मिट्टी मिट्टी घर हो जाता है, तो लगता है
किसी दिन ये आंधियां ना मेरे घर को लेके उड़ जाएंगी। मुश्किल खाना अब देखो। आए हाय इतना गंद है। आए हाय नहीं, क्या कर रही हैं आप? इतनी दफा मैंने आपको कहा है काम वालियों को टिकने दिया करें, सारे काम खुद करती रहती हैं। हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी शान को यही कहा था कि जो मासी को पैसे देने वो मुझे दे दे। अम्मी छोड़े इन बातों को, मुझे आप ये बताएं कैसी लग रही हूँ मैं। बल्कि रुके मैं आपको दिखाती हूँ, देखें। बेटा जी लग तो तू बहुत अच्छी रही है, और ये बता किसी फिल्म की ऑडिशन पे जा रही है जो इतनी बन संवर के जा रही है? और रुक रुक मोड़ है, दिखा जरा, दिखा दिखा ये नए कपड़े कहाँ से आए? मैंने तो तुझे ये नहीं लेकर दिए कपड़े। तूने मेरे पर्स में से पैसे चुराए फिर से हैं? तू चोरी कर रही है? अम्मी मैंने प्रॉमिस मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं आपके बैग से लिपस्टिक ढूंढ रही थी अपनी। अच्छा लिपस्टिक ढूंढ रही थी? खुद तो रहम कर। अरे अम्मी क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, छोड़े पर जान लोगी क्या? मेरे बैग में से तू लिपस्टिक ढूंढ रही थी? मैं तो खुद एक लिपस्टिक 8 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। जब से तुम्हारे अब्बा फौत हुए मैंने तो तैयार होना ही छोड़ दिया। लो शुरू हो गए अब्बा की यादों के झरने बहने। नहीं प्लीज मत रोएं। अच्छा मुझे बात बताएं, ये रात को आंधी आई थी क्या? बहुत मट्टी मट्टी सी हो रही है। अब मेरी हड्डियां गल गई, मैंने से सफाई की है, तुझे कहां मिट्टी नजर आ रही है? नहीं अम्मी कहीं नहीं है। तुझे बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा आप मुझे ये तो बताएं किस बात पे खिंचाई हो रही थी इसकी? हाँ ये तो मैं भूल ही गई, इसने आके सारी बात ही बदल दी। मैं तो तुझसे नए कपड़ों का पूछ रही थी। बता कहां से लिए तूने नए कपड़े हैं, और पैसे कहां से आए थे तेरे पास? तू बता जरा मुझे, बता ना जरा। अच्छा अम्मी क्यों चोरी करूंगी मैं, मतलब आप खुद बताएं, मोना का ड्रेस है ये। हाय बेड़ा गरक, तूने बाहर डाके डालने शुरू कर दिए। हो गया आपका? अम्मी मोना के घर गई थी मैं रहने, याद है आपको? वहां मैंने ये ड्रेस पहनी थी और इसी तरह मैं इसको घर ले आई, सोचा आज यूनिवर्सिटी भी पहन जाती हूँ। बात का बतंगड़ ना आपसे बनाना सीखे कोई। बात सुन, जल्दी से ये कपड़े बदल ले, अपने कपड़े पहन। मोना ने देख लिया ना तो पता नहीं क्या सोचेगी, बहुत बुरी बात है। जाके कपड़े बदल। नहीं देखती वो, आप टेंशन ना ले इन चीजों की। अम्मी छोड़ देना बस, इतनी इंटरोगेशन अच्छी नहीं होती। अच्छा मीरा तुम रेडियो तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे भी दफ्तर के लिए देर हो रही है। वाह भाई नहीं आप जाएं दफ्तर, आपकी तो प्रमोशन हुई है, आपको पहले दफ्तर ही जाना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मैंने खदीजा को कहा है, वो मुझे पिक कर रही है। बल्कि वो पहुंच गई है, मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। बाय अम्मी। अरे हट, अल्लाह हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज़। दफा कर इसको। शान मेरा बेटा एक काम करो, जाते हुए ना मिठाई खरीद के मामू की तरफ जाना भाई, अपनी प्रमोशन की, और नानी से भी मिल लेना। ठीक है अम्मी, मैं अब चलता हूँ। जा जा फिर। ये देख रहे हो ना कि मैं कितना हेल्थी फूड लेती हूँ। नहीं खाला, मैं तो अपना नाश्ता कर रहा हूँ। बताऊ उसको? थोड़ा सा बताने दो, डरते हो? चाय डाल छादो। और जी सवेर का तड़ा तीजा कप पे, तू मेरा चाय के कप गिन रही है, चाय डाल। खाने के दुश्मन मेरे सारे। छोटी बेबी जी किन्नी चीनी पावा? नो शुगर। क्यों तानू शुगर हो गई है? शुगर हुआ मेरे दुश्मनों को भी, मैं क्यों चीनी इतनी पीऊं? ये डाइट कर रही हूं और एक हफ्ते के लिए तो मैं कंप्लीट डाइट पे हूं। नो शुगर, नो नथिंग, ओके? मैं हूं इसकी सबसे बड़ी दुश्मन,
परहेज करा के तो इसने मुझे भी शुगर कर दिया। अरे अम्मा, वैसे आपका नाश्ता हम लोग कमरे में ही भिजवा देते ना, आपने क्यों तकलीफ की सुबह सुबह? दम घुट रहा था मेरा उस कमरे में। मैं बीमारी से इतनी कमजोर नहीं हुई, ये तो मुझे आराम कर करके मैं ऐसी हो गई। मैंने सादिया से कह दिया कि आइंदा मैं सबके साथ मिल के यहाँ बैठ के नाश्ता किया करूंगी। जी अम्मा, आप अगर हमारे साथ टेबल पे बैठ के खाना खाने ना, तो वही खाना मिलेगा परहेजी, बगैर शुगर के। मोना, मोना। गुड मॉर्निंग। लेडी जॉन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मेरी लाडो। मेरे आप हो गया हो तो नाश्ता करने बैठ के? नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बीबी देर हो रही है तो सुबह टाइम से उठ जाया करो ना। नाश्ता करके जाना, और वो भी अंडे पराठे का। देखा नहीं कितनी कमजोर हो गई हो, हैं? कोई जरूरत नहीं है इतना अनहेल्थी फूड लेने की। जैम, टोस्ट, पराठे। हैव समथिंग हेल्थी। रेड एप्पल। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बाय। ओके, बाय बाय। ओफो, जरा सलीका नहीं है इस लड़की में। आप लोगों के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया मेरी बच्ची को। और लो, ये अपनी असाइनमेंट यहीं पे भूल गई है। जा शादो, जा भाग के पकड़ा के उसे। अच्छा बीपी जी। ओफो रोमी, कितनी दफा तुमसे कहा है घर के सामने गाड़ी मत खड़ी किया करो, ये हॉर्न पे हाथ रख के भूल मत जाया करो। तो जल्दी आया करो ना। मुंडा कौन सी है? मैनू की हजे तक कार दे बड़े काम पे ने, अगे कली मेरी जान ते सारे कार दे काम। एनी की शादी हो गई, इससे किसने कर ली? अल्लाह मियां, मेरी कब होगी? मैं अल्लाह मियां, मैं 100 नफल मानूंगी, प्लीज मेरे लिए भी कोई शहजादा भेजो। कैसी कैसी उनकी शादी हो रही है। क्या हुआ? शान, आप कैसी हो? बोलो सर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब आपको देख लिया तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये हुई ना बात, इतने लाइक तो बनते हैं फिर ज़ारा डॉल के। पलवशा। जी मामा। पलवशा। जी मामा। पलवशा। अब जी मामा, वो शान आए 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 प्लीज। जी जी। शर्मे, तेन शर्म नहीं आंदी? भरा है वड्डा तेरा। पाई जान के पाई जान शान, पाई जान। अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, खैर ना लाया? इधर आ। की गल है? मिठाई चुकी हुई है। हाय मैं मर गई, किधर तेरी मां ने तेरा रिश्ता ते नहीं करता? मैं जोड़ा पाना सी, तैयार होना सी। अरे नहीं नहीं मुमारी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी ना वो प्रमोशन हुई है। हैं? की हुई है? प्रमोशन जी। अच्छा, वाह भाई वाह,
कितनी तनख्वाह हो गई है तेरी हुन? आप उसको छोड़ें, बस थोड़ी बढ़ गई है। चलो बढ़िया बढ़िया, मुबारका मेरे वालों। शान बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। शर्मे, तेन शर्म नहीं आंदी? भरा है वड्डा तेरा, पाई जान के पाई जान शान पाई जान। अरे नहीं नहीं, हमारी जान जरूरत नहीं है। क्यों पुत्र, जा जाके भरा वास्ते चाह लेके आ, मिठाई भी लेके जाई। अजकल ते बच्चियां नूं समझ ही नहीं आती, रिश्तियां दा पता ही कोई नहीं। मैं नहीं दसांगी ते कौन दसेगा? कल नूं सौरे घर जाना सू, मेरी नक वटा नहीं सू, हद हो गई है। तेरी छोटी भैन है। अच्छा होर दस, सब खैर खरीयत है ना? ओए होए पुत्र, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरा लाइव सेशन करन दा टाइम हो गया, फॉलोअर्स वेट कर देने ना, यू नो। तेरी भैन तेरे वास्ते चाह बना रही है, तू जाई ना। हैं जी जी ठीक है। पलवशा भरा वास्ते चाह लेन गई है। अरे एक ही तो लड़की है जो मुझे भाई नहीं बोलती, उसको भी मेरी बहन बना दे। अरे ये इसकी क्या जरूरत थी? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा फिर तुम बताओ और क्या चल रहा है आजकल? यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई है, आगे का कुछ सोचा है? कोई जॉब वगैरह या कुछ और? बाबा का तो आपको पता ही है ना, इतनी मुश्किलों से तो उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन करने दिया, अब जॉब तो बहुत मुश्किल है। फहद होता तो शायद कुछ हो जाता। अच्छा कैसा है फहद और कब आ रहा है? मेरे फहद का फोन, मेरी जान। हेलो हेलो फहद। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मेरे बच्चे, बहुत दिनों से मैं तुम्हें याद कर रही थी। मैं आपको बहुत याद करता हूँ दादी। लो याद कहाँ करते हो तुम, इतने से दिन तक तो तुम फोन नहीं करते, तुम्हें पता है तुम्हारी दादो कितनी उदास हो जाती है तुम्हारे लिए। आप तो जानती हैं दादी बाहर की लाइफ कितनी मसरूफ होती है, खुद के लिए भी वक्त नहीं मिलता। आप बताएं घर पर सब ठीक है? मैं तो तुम्हारी भूपो सादिया के घर आई हुई हूँ, वैसे घर में ठीक है सब। अच्छा तो फिर आप अमर बलवशा को अकेला छोड़कर यहाँ आ गए? क्या करूँ, मोना बस मुझे ले आती है और मैं उसको इनकार भी नहीं कर सकती। वैसे सच पूछो, मोना जब भी कहती है ना तो मैं तो खुद ही खींची चली आती हूँ। मेरे आने के बाद रोज ऐसा नहीं चलेगा दादी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्या फहद तुम आ रहे हो? Oh my God, I'm so excited. बताओ बताओ कब आ रहे हो? ओहो ये बात तो मुझे आपसे छुपानी थी, फ्लो फ्लो में मुंह से निकल गई। दादो को तुम सरप्राइज दोगे? बताओ ना कब आ रहे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह खाला ये बहुत खूबसूरत है, ये कब बनवाया आपने? ये मोना के लिए है, और ये मीरब के लिए, और ये शान की दुल्हन के लिए। देख सादिया ये उनकी अमानत है, मैं ना हुई ना तो ये अमानत उन्हें दे देना। कैसी बातें करती हैं खाला, अल्लाह ताला आपको अपनी पोती और नवासे नवासों की खुशियां देखना नसीब करे, लंबी जिंदगी दे, आमीन। मगर इतना ज्यादा गोल्ड आपने घर पे क्यों रखा हुआ है? अभी ऐसा करते हैं इसे लॉकर में रखवा देते हैं, खैर का वक्त आएगा तो निकलवा लेंगे। खैर का वक्त आने वाला है, मोना की पढ़ाई को 2 माह रह गए, फिर उसकी शादी करेंगे, इन सब चीजों की तो जरूरत होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द। और फिर शान की प्रमोशन भी तो हो गई है। अच्छा सादिया मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। सादिया सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पर बैठी हुई हो। मैं बस जरा खाला के पास। आउच आउच आउच, आए निकल गया ना जोड़ों का दर्द, कहाँ गई जवानी? ऐसी भी कोई बात नहीं, आज तो पता नहीं मैं तो घिना भी नहीं कितनी दफा मैं सीढ़ियों ऊपर नीचे चढ़ी हूँ, मसल पुल हो गया।
हो जाता है, ठीक हो जाएगा। ये सादिया दिखाना, ये देखे अम्मा। अरे अपा, ये तुम्हारा खानदानी सेट है ना? वैसे मुझे बताओ, इतना गोल्ड फैलाकर बैठी हो यहाँ पर, खैर तो है ना? यही तो मैं खाला को समझा रही हूँ कि इतना जेवर घर पे रखना अच्छा नहीं, इसको लॉकर में रखवा दे। मगर खाला कह रही है कि मोना की शादी होगी तो काम आएगा। खैर का वक्त तो ज्यादा दूर नहीं है। लो, मुझे देखो, मैं जो बात बताने आई थी भूली गई। फाहद का फोन आया था, माशाल्लाह माशाल्लाह से अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और वो पाकिस्तान वापस आने वाला है। सच में फाहद आ रहा है? हाँ हाँ, पाकिस्तान वापस आ रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फाहद की डिग्री कंप्लीट हो गई है और वो पाकिस्तान भी आ रहा है। कहीं ये मुझसे पहले फाहद की मोना से शादी के बारे में ना सोच रही हूँ। मोना क्या कर रही हो? गाड़ी चला रहा हूँ। तो चलाओ, मैंने क्या मना किया? तो तुम लड़कियां और तुम्हारा ये मेकअप, घर पे मेकअप, यूनिवर्सिटी में मेकअप, गाड़ी में मेकअप, अरे कितना मेकअप करना है? ये तुम लड़कियों का चेहरा होता है या वॉल है जिस पर पेंट किए चले जा रहे हो, किए ही चले जा रहे हो? ओह, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसे पेंट करना नहीं कहते, टचअप कहते हैं। मेरी प्रेजेंटेशन है आज, मेरा अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। ओके। पता नहीं, मैंने तो लगता है सारी एनर्जी मेरी जाया हो जाती घर के काम कर करके। एक पानी नहीं मिलता, कुछ दूध शुद्ध नहीं मिलता। मैनू ना कोई रद्दी शद्दी लग रही है, पढ़ना तो मैनू आंदा ही नहीं ना। ओए हाय, हेलो शादो, ए की तू किता, ए की हो गया मेरे को, मैं तुम्हें किस तरह हल करो। शादो, शादो लब चाल, मतलब बचा जादो। शान साहब आप, शान साहब आप, ये नानी कहाँ है? नानी वो जी चारा बेगम जी अपने कमरे में आंदे, असी गरीबा नहीं इत्थे होना ना। अच्छा इसको छोड़ो, मैं खुद ही नानी को देख लेता हूँ। मैं आ जाऊं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मानी, कैसी है नानी? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरे शान। शान, Do I look that old? Young हूँ मैं, मैं कोई बूढ़ी लगती हूँ, कोई नानी लगती हूँ? हाँ तुम यूँ करो कि you can call me granny, ठीक है ना? And moreover, तुम्हें मैंने पाला है बचपन में, पाला है कि नहीं? हाँ आपा तो साथ होती थी, but मैंने भी तुम्हें गोदों में खिलाया हुआ है और अब तुम जाके झुक झुक के आपा को मिल रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं आप दोनों में फर्क क्यों करूँगा? आप दोनों तो मेरे लिए एक ही है ना, क्यों छोटी नानी, आई मीन ग्रैनी, आई एम रियली सॉरी छोटी ग्रैनी। अब तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, मुझे वैसे तुम्हारी ताबेदारी पर, फरमाबरदारी पर पूरा यकीन है। वैसे बताओ कि कैसे आना हुआ? नानी का घर है इसलिए आना हुआ। शान, चाय पियोगे? चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं बहुत शुक्रिया मोहानी जान, बस मैं तो ये मिठाई देने के लिए आया था। मिठाई? मिठाई किस खुशी में? कहीं मीरब का रिश्ता तो नहीं तय कर दिया तुम लोगों ने?
सादिया, बताया तो था तुम्हें, शान की प्रमोशन हुई है, प्रमोशन। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें शान। भाई अल्लाह तुम्हें और भी तरक्की और कामयाबियां दे, मेरी तो दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। आइडिया, कार स्त्री ते चल किचन। ओहो, एक किदा फोन आ गया, अम्मा का फोन। हेलो माँ, ओ माँ इत्थे सिग्नल नहीं आ रहे, रुक जा मैं बाहर जाके गाल करनी हाँ। हाँ हाँ मैं बाहर जा रही हाँ। हेलो दुर्दाना, ये मेरे नवासे की प्रमोशन की मिठाई है, दे मुझे। कोई बात नहीं ग्रैनी, दे दें। बेटा तुम्हें अंदाजा नहीं है इतनी हाई शुगर है, अभी इनकी रिपोर्ट्स करवाई थी, इतनी बुरी रिपोर्ट्स आई हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपनी बहन की दुश्मन हूँ? जी नानी, फिर तो को ये नहीं खानी चाहिए। ग्रैनी आप मुझे दे दें, मैं जाते हुए गार्ड को खुद ही दे देता हूँ। शान तू भी? आई एम रियली सॉरी नानी। शान कुछ देर बैठो सही, दो मिनट में चाय बन जाएगी, फिर मैं और तुम दोनों ये मिठाई खाएंगे। इनको करने दो डाइट वाइट। नहीं बहुत शुक्रिया मुमानी जान, मुझे ऑफिस से थोड़ी सी देर हो रही है, फिर कभी। मैं चलता हूँ, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैं तो तुम्हें गेट तक छोड़ के आती हूँ। पापा इतनी मजे की मिठाई तो मैंने कभी खाई नहीं। चले। ये कौन है? कैब ड्राइवर। अम्मा मेरी भी ना बड़ी। Oh my God. आप रोमी गाड़ी रोको प्लीज। क्या हुआ? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता मोना? मेरी प्रेजेंटेशन। हाँ तुम्हारी प्रेजेंटेशन आज है जिसके लिए इतना रेडी हो रही हो, पता है मुझे। वेरी फनी, मेरी प्रेजेंटेशन। क्या हुआ है मोना तुम्हारी प्रेजेंटेशन को? मेरी प्रेजेंटेशन घर की है। क्या? नहीं तो कोई मसला थोड़ी है, लैपटॉप पर दे देना ना। नो नो, लैपटॉप भी नहीं है मोन। नहीं यार अब क्या करें? रोमी नो 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 नो, ये जमासूम शक्ल के पीछे लोमड़ी है ना, इसका मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम्हारे शिकंजे में नहीं आने वाला मैं। अच्छा चलते हैं वापस। यार क्या तुम्हें बोलूं मैं, ये पेट्रोल पे चढ़ती है, तुम्हारे आंसुओं पे थोड़ी चलती है यार, ऑल द वे बैक जाना पड़ेगा। आंसू वो भी नकली। नकली? असली 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 असली, सॉरी। अच्छा असली है, असली है, असली है यार, क्या बोलूं मैं तुम्हें। सॉरी। मेकअप करना है ना, प्रेजेंटेशन थोड़ी देनी है, मेकअप कर लो। अच्छा ना अब तुम जिस तरह बातें तुम मत सुनाओ, पर जल्दी। मुमानी जान मुझे दे दें, मैं जाते हुए गार्ड को दे देता हूँ। नहीं नहीं मैं दे दूंगी। पक्की बात है? हाँ हाँ, खाली मिठाई क्या दूँ, चाय के साथ दूंगी ना। अच्छा चलें ठीक है, आपकी मर्जी। मामा मामा
अभी प्रेजेंटेशन घर ही भूल गई। अस्सलाम वालेकुम चांद भाई। अस्सलाम वालेकुम मोना, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। मोना, एक तो तुम लापरवाह इतनी हो और दूसरा फिर शोर मचाती हो। शादो को भेजा भी था तुम्हारे पीछे और तुम चली गई भी थी उस वक्त। जाके शादो को बोले ना जल्दी से ले आए। शादो, बहुत तंग करती हो तुम। शादो, इन्हें छोड़ें आप। आप बताएं कैसे हैं, क्या चल रहा है जिंदगी में? वो एक्चुअली मेरा प्रमोशन हो गया है तो नानी को मिठाई देने के लिए आया था। अरे वाह, प्रमोशन हो गई आपकी, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू शादो, शादो। अच्छा हाँ, फिर नहीं बस छोड़ो, आप बताओ कैसी चल रही है यूनिवर्सिटी? बस क्या बताऊं। हेलो बीबी जी, यही है ना जी? यही है। मोना, तुम यूनिवर्सिटी से आई कैसे हो वापस? कैब से। कैब से? और अब जाओगी कैसे? कैब से ही मामा, कैब से। वैसे शान अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दे, मगर शान को तो देर हो रही है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं जाते हुए ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी फटपटी पे बैठने से बेहतर है कि मैं पैदल यूनिवर्सिटी चली जाऊँ। बेचारा रूमी मेरा वेट कर रहा होगा। नहीं नहीं, मैंने कैब बुक करवाई हुई है, बस दो मिनट में आ रही होगी, मैं चली जाऊंगी। इट्स ओके। देखो मैं परेशान होती रहूंगी, तुम राइड कैंसिल करो, शान तुम्हें छोड़ देगा। मामा, मैं शान भाई को ऐसे क्यों तकलीफ दूंगी? मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, आपको लेट भी हो रहा है ना। नहीं वैसे कोई मसला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी मेरे रास्ते में ही आती है, तो जाते हुए छोड़ देता हूँ। बैग में डालो, फिर गिराती भी जाओगी। तुझे मैंने कहा था सुबह उसको पकड़ा दे, और देर लगाती है इतनी हर काम में। चल मैं तो मिठाई खाऊंगी। इतने मजे का गुलाब जामुन, ऑनेस्टली मैंने कभी इतनी मजे की मिठाई नहीं खाई। सॉफ्ट सॉफ्ट मीठा मीठा गुलाब जामुन, अभी तक दिल चाहता है उंगलियां चाट लूं। हाँ, अब ख्याल आ रहा है तुझे भी सुंघाई देती, शायद तेरी शुगर लेवल थोड़ी बेहतर हो जाती। किसी ने चाय पीनी है तो मुझे बता दे। साध्या, पूरा मिठाई का डिब्बा तो खा रही है, कोई हाल नहीं तुम्हारा। मुझे तो लगता है कि आपा की तरह तुमने भी अपने आप को शुगर करवा लेनी है। हाय अम्मा, इतने मजे के गुलाब जामुन है, एकदम फ्रेश, शीरे में लबालब। अब गार्ड को मैं खाली मिठाई क्या देती? चाय बनाऊंगी, गार्ड को भी दे दूंगी। मैं चाय बना के लाती हूँ। माँ से कुछ नहीं सीखा इसने, वरना होती ना मेरी तरह स्लिम एंड स्मार्ट। लोग कहते इसकी बेटी जा रही है, अब तो कहते होंगे चलो छोड़ो। तो पेशे खिदमत है, ठंडी ठंडी हवा चली, महक रही है कली कली, डाली डाली फूल खिले हैं, लाल गुलाबी और पीले हैं, हरी भरी है हर एक क्यारी, कितनी है लगती प्यारी, सर्दी है ना गर्मी है, पर धूप में खासी नरमी है, मौसम है खुशगवार, इसी का नाम है बहार। शान भाई आप मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दे, मेरी राइड मुझे पिक कर लेगी। अरे भाई मैंने मोमानी को कहा है मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करूंगा, तो अब बस ये बाइक यूनिवर्सिटी जाके रुकेगी।
इट्स ओके रेनी, आपकी प्रमोशन हुई है ना, इतना अच्छा नहीं लगता कि आप लेट काम पे जाएं, आपके बॉस क्या कहेंगे? अच्छा हाँ यार, मगर तुम मेहमानी से तो नहीं कुछ कहोगी? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। तो तुम कैसे जाओगी? मैंने कहा ना, मैंने राइड बुक की भी है। चलो ठीक है, कहाँ है तुम्हारी राइड? ओके। कैसा है सब कुछ? बहुत अच्छा ना, बहुत प्यारा। मामा खाना रेडी है, जल्दी से आ जाएं। अच्छा फिर व्यूवर्स, आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। कोई गुमशुदा बच्ची आई है, उसको उसके घर पहुँचा दूँ ना? मॉम मॉम करके आवाजें दे रही है, सो आप डोंट वरी। लेकिन आपने बताना जरूर है कि ज़ारा डॉल के ऊपर ये गुलाबी रंग कैसा लग रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज। पलवशा की है तेनू? ठहर जा, तेनू तो पूछा। बस 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 इधर ही। ये हाँ बस बस बस। चले। ये कौन है? कैब ड्राइवर। अच्छा तो फिर एक काम करो, ये फेयर रख लो। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं दे दूंगी। अरे भाई मेरे होते हुए तुम क्यों दोगी, बुरा लगता है। चलो रख लो। थैंक यू। भाई इतने गुस्से में क्यों? खैरियत तो है? वो इसलिए क्योंकि मैंने ना बेचारे के राइड के पैसे नहीं दिए। आप मुझे ड्रॉप करते, मैं आपको यूनिवर्सिटी में एक ही बार दे दूंगी। ड्राइवर बना के रख दिया तुमने मुझे। सॉरी यार, मजबूरी थी मेरी, तुम्हें पता तो है। अच्छा प्लीज मूड ना ऑफ करो, देखो पैसा है हमारे पास, यूनिवर्सिटी जाके तुम्हें ट्रीट देती हूँ। कितने पैसे आ गए? 50,000 रुपए, 500 रुपए टोटल। एक सैंडविच भी नहीं आता इसमें, मुझे नहीं खाना तुम्हारे सैंडविच। अच्छा ना, देखो सॉरी, माफ कर दो प्लीज। ये ज्यादती है, तुम जब पता है ना तुम। बस हो गया गुस्सा ठंडा, हद हो गई, पता नहीं कहां फंस गया हूं। न्यू अरेबिक हमारे को फादर टेबल्स टेबल 122 रोमी का रह गया। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम दोनों साथ गए थे। हाँ लेकिन मुझे जॉब करके पता नहीं कहाँ चला गया, तुम कॉल करके देखो ना। ना बाबा ना, मैं नहीं कर रहा, सामने मेरी बैंड बजाते नहीं है। डरपोक। मैं कमिंग सर। Come in, sir. Sir, वो अंदर आने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। आप भी बाहर जाना चाहती? नहीं सर, प्लीज आने दें सर, आइंदा नहीं लेट आऊंगा, पक्का प्रॉमिस। आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हारी प्रेजेंटेशन भूलने के चक्कर में अपनी भी भूल गया था। क्या बात है वैसे। स्टूडेंट्स आप लोगों की प्रेजेंटेशन तो तैयार होंगी, तो रुमान खालिद सबसे पहले आप आए। सर ठीक है सर, श्योर सर। Good afternoon class. Today my topic is 7 C's of marketing, and that includes communication. Business Management? Ah! I'm
नीरव नीरव क्या हुआ? अम्मी मेरे पास बैठता है तो आपा की और सादिया की बुराइयां, और आपा के पास बैठता है तो मेरी और सादिया की बुराइयां। हैं रोमिया, आर यू ओके? सब सब ठीक है ना? प्लीज साफ साफ बताओ। साफ साफ बता दूं? हैं माइंड तो नहीं करोगी ना?